अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। तो अब से थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचने वाले हैं उनके दफ्तर। लेकिन आपको बता दें कि अपॉइंटमेंट नहीं लिया है अरविंद केजरीवाल ने, बिना अपॉइंटमेंट के वो जा रहे हैं। और ये काफिला आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का, जिसमें संजय सिंह भी हैं, मनीष सिसोदिया भी हैं और कुछ कार्यकर्ता भी हैं। तो हम आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद से, और उसमें 16 सवालों की सूची बनाई थी। वो सूची लेकर वो जा रहे हैं। हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस काफिले के साथ ही साथ हैं। अनुराग, क्या कुछ जानकारी, अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया है, तो क्या मिलना मुमकिन हो पाएगा अरविंद केजरीवाल का नरेंद्र मोदी से? देखिए, फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। गांधीनगर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर अभी अरविंद केजरीवाल है। सुबह अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपॉइंटमेंट मांगा गया, नहीं आया है। और सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है, और जी के घर जाएगा वहाँ तक उनको मिल लिया जाएगा नरेंद्र मोदी का। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल चाहते हैं नरेंद्र मोदी के साथ उनका काम। अनुराग, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, हम यही जानना चाह रहे थे, अपॉइंटमेंट नहीं लिया है अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी से मिलने का, तो क्या ये संभव हो पाएगा कि इन दोनों की मुलाकात होती है? और अगर नहीं होगी इनकी मुलाकात, तो आगे का क्या एजेंडा है, आगे क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की ओर से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से नरेंद्र मोदी के ऑफिस से उन्हें किसी भी तरीके की अपॉइंटमेंट नहीं दी गई है। हालांकि नरेंद्र मोदी फिलहाल अपने बंगलों पर है, सीएम बंगलों पर नरेंद्र मोदी है, उन्हें ये मैसेज मिल चुका है कि अरविंद केजरीवाल उन्हें मिलने के लिए आ रहे हैं। वैसे में वहां की जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा दिया गया है। हालांकि काफी दिलचस्प है जो इस तरीके से नरेंद्र मोदी को मिलने जो अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जो उन्होंने 16 मुद्दे दिए हैं श्वेता, वो मुद्दे हैं जिसको लेकर नरेंद्र मोदी हमेशा अपने भाषणों में गुजरात के विकास के बारे में बात करते थे, और अरविंद केजरीवाल ने उसी विकास के मुद्दों पर सवाल उठाया है। और सबसे अहम कह सकते हैं उन्होंने यही सवाल उठाया है कि आपके दो मंत्री जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप है, आप खुद ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में हमेशा ये बोलते रहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार करता भी नहीं हूँ और करने देता भी नहीं हूँ। वैसे में आपके दो मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए, आपका एक मंत्री अडानी परिवार के दामाद है। वैसे में किस तरीके के आपके अडानी के साथ संबंध है? आप कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं होता है, तो कहाँ ये किस तरीके की मोरालिटी है? दो मंत्री आपके भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त हुए हैं। तो वैसे में अरविंद केजरीवाल ने उन मुद्दों पर सबसे बड़ा सवाल उठाया है। साथ ही जो विकास की बातें नरेंद्र मोदी बिजली के मीटर के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन उन्हें बिजली का मीटर ही नहीं दिया गया है। तो सकते हैं मोदी की 2400 घंटे बिजली मुहैया करवाई जाती है। वैसे में अरविंद केजरीवाल की ये जिस तरीके से वो आज नरेंद्र मोदी को मिलने